हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज स्कूल की थी छुट्टी, तो आज मैं घर पे था, तो सोचा कि अब सर्दियों का मौसम आने लगा है, तो क्यों ना गद्दों की मरम्मत कराया जाए। तो पुराने गद्दे हैं जो, उनको उनकी रुई निकाल के उसको फिर से एक नए गद्दे बना लेते हैं, रजाई बना लेते हैं। तो आप लोगों के साथ भी मैं ये वीडियो शेयर करना चाहूँगा, और आप लोग भी देखिए ये गद्दे कैसे बनाए जाते हैं। तो अभी मैं लेके जा रहा हूँ भाई लोगों के लिए पानी, तो पानी पिलाएंगे क्योंकि धूप में लगे। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं छत में, और ये पीछे हमारे भाई लगे हुए हैं, मुकेश भाई, मुकेश नाम है इनका। और आपका नाम क्या है भाई? मुतीम। ये लोग बनाएंगे गद्दे, और देखिए आप लोगों को भी बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं गद्दे और कैसे इनको रिनोवेशन किया जाएगा। तो आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करेंगे, और वीडियो के साथ बने रहिए। तो जो ये पुराने गद्दे हैं, इनको अभी नए बनेगा। और अभी क्या करेंगे भाई, ये रुई निकाल के क्या करेंगे आप लोग? उसको लाठी से पिटाई करेंगे, उसको धूल मिट्टी निकालेंगे, अभी निकालेंगे इसको। अच्छा, उसके बाद में इसको मशीन से फनाई करेंगे, उसके बाद में तागा हुआ डालेंगे। अच्छा ठीक है। तो अभी भाई लोगों के लिए आई है चाय, और ये लोग करेंगे टी ब्रेक लेंगे, और क्योंकि धूप में लगे हैं तो चाय पीने का शौक है धूप में, क्यों मुहिम है। तो दोस्तों, कुछ ये नज़ारा है आज खिलवाड़ा का, और मौसम देखिए बिल्कुल खिला खिला मौसम है। और ये भाई देखिए धूप में लगे हुए हैं, बहुत ही तेज़ धूप है, और ये सारे गद्दों की रुई निकाल ली गई है। इसके बाद क्या किया जाएगा मुकेश भाई? पिटाई करेंगे इसको, पिटाई करने के बाद में मशीन चलाएंगे। अच्छा, मशीन चलाने के बाद में तागा डालेंगे, उसके बाद फाइनल होगा। तो गाइस, यहाँ पे भाई जी अब रुई को पीट रहे हैं, और इसके बाद जितनी भी रुई है सारी कूटी जाएगी। उसके बाद इसको, ये जो इनकी मशीन है, इस पर फेंटा जाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा हो जाएगा। फनाई हो गया रहता है। हाँ, जिसको बोलते हैं फनाई। ये रूम को अलग अलग कर देते ना, पूरा नया बना देता है। ऐसा है ना, इससे फुलावट होता है। अच्छा, मशीन है ना, मशीन काट देता है इसको, रेशा जैसे बना देता है काट कर। हाँ, और बाद में वही गोला गोला हो जाता है। गोला गोला हो जाता है, इससे ये कि पूरा खुल जाता है। खुल जाता है, धूप लगता है, मशीन में जाएगा सीधे उसी तरह रख देगा। हाँ वो तो है, धूल उसी में है, मिट्टी उसी में रहेगा, सब चीज़ उसी में रहेगा। 11 बजे के बीच में, 11:30 के बीच में इतना धूप था, बहुत ज़्यादा थक गया, वहाँ पर जाकर बैठ गया हमने। ये भाई क्या लगता है आपके? छोटा भाई है। छोटा भाई ना। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि रुई थोड़ा ही बचे, क्योंकि इन लोगों ने रुई कवर के अंदर भर दी। मैं ये शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं कहीं चला गया था। और ये भाई जो कवर के अंदर रुई उसको फैला रहे हैं डंडे से पीट पीट कर, ताकि वो पूरे कवर में एक समान फैल जाए। इसके बाद होगी सिलाई, तो देखते हैं आगे सिलाई में क्या होता है। यहाँ पे देखिए सिलाई स्टार्ट हो चुकी है, और ये सिलाई इसलिए की जा रही है ताकि जो रुई है अपनी एक जगह पे बनी रहे, गत्ते में इधर उधर ना खिसके, क्योंकि अगर ये इधर उधर खिसक गई तो फिर कहीं कवर होगा तो कहीं रुई के गोले होंगे, इसलिए यहाँ पर पक्की सिलाई की जा रही है। तो गाइस, यहाँ पर आ गया गद्दा, और गद्दे की सिलाई की जा रही है। तो डॉग से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी गर्मी है, पता नहीं कहाँ से आया और बैठ गया हमारे यहाँ पे।
तो ये फाइनल गद्दा रह गया और बाकी हो चुके हैं। तो गाइज प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू।